हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेटलो के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके। आज हम करेंगे डिटेल एस्पेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर नाम से ही पता है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ऑर्डर उस रिएक्शन का क्या होगा, फर्स्ट होगा। यानी कि अपने पास मान लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन मान लेते हैं, ए से बी है, तो उसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होगा। इसका मतलब रेट क्या लिखी जाएगी, इसकी रेट लिखी जाएगी ए के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी। ये थियोरिटिकल हमने रेटोलॉजी लिखना सिखा था। हम इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो ये लिखा जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर वन। ये तो क्या है, थ्योरेटिकल, और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, कि रेट तो रिएक्शन तो एक ही है। ये थ्योरेटिकल लिखा जाएगा रिएक्शन। अब हम मान रहे हैं ये ए से बी है, हमने मान लिया स्टार्टिंग में इनिशियल जब रिएक्शन जीरो है तो ये तो ए नॉट है और ये जीरो होगा, प्रोडक्ट जीरो होगा। और टी टाइम पे ये तो ए टी हो जाता है, रिड्यूस होकर ए टी हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है, ये एक्स हो जाता है। तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे, जब ये हमने रेट लिखी, क्या रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए। ये इधर आके क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के टी। दोनों तरफ क्या कर दूं मैं, इंटीग्रेशन कर दूं, कहाँ, जीरो से टी टाइम में, जीरो से टी टाइम में, और ये इनिशियल ए नोट था, बाद में क्या हो गया, ए टी हो गया, जीरो से ए नोट। अब इसका इंटीग्रेशन देखना, वन अपॉन ए का होता है ln a, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ln a a नोट से ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी जीरो से टी। ये हो जाएगा ln a टी माइनस ln a नोट। ये लिखाऊंगा ना, पहले ऊपर की लिमिट लिखूँ, अपर लिमिट ln a नोट माइनस लोअर लिमिट ln माइनस ln a नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। अपने यहाँ पे अपन एक मैथमेटिक्स की क्लास भी करेंगे बहुत जल्दी, मैथमेटिक्स में, जिसमें लॉगरिथम, नॉर्मल इंटीग्रेशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, पावर को सोल्व कैसे करते हैं, लॉगरिथम को कैसे सोल्व करते हैं, वो हम जल्दी एक क्लास में इस पर डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ ln a माइनस ln b को लिखा जाता है ln a अपॉन ln b, तो इसे लिख दूंगा ln a t अपॉन a नोट इज इक्वल टू माइनस के टी, या फिर हो जाएगा ln a नोट अपॉन ए टी इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, ये इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो ये क्वेश्चन याद रखना आप, ए टी अपॉन ए नोट इज इक्वल टू ln उधर जाएगा तो लॉगरिथम उधर जाएगा तो एंटी लॉग में ये हो जाएगा e की पावर माइनस के टी। के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है, टाइम। यहाँ से ये आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू ए नोट e की पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन याद रखना, ए टी इक्वल टू ए नोट की पावर माइनस के टी। और इसी इक्वेशन से लिखें तो क्या हो जाएगा, ln ए टी, दोनों तरफ लोग ले लूँ तो ln ए नोट माइनस के टी, ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। इस इक्वेशन को अरेंज करें तो यहाँ से देखना, इस इक्वेशन से आप ये इक्वेशन ला सकते हो इजीली, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन ला सकते हो, ln ए टी इज इक्वल टू ln ए नोट माइनस के टी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखना, ए टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी याद रखना, ठीक है। अपना यहां से ये आया, इस इक्वेशन को क्या कर दूं मैं, अपोजिट कर दूं, ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल टू ई की पावर के टी लिख सकता हूं। इसे अपोजिट करूंगा तो ये अपॉन ई की पावर के टी हो जाएगा, यह देखना, इसे अपोजिट करूंगा ए नोट अपॉन ए टी तो ये हो जाएगा वन अपॉन ई की पावर माइनस के टी, और ऊपर जाके ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल टू ई की पावर के टी। अब देखना, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ln ए नोट अपॉन ए टी इज इक्वल टू के टी, लॉगरिथम ले दूंगा तो ये तो ln ए नोट अपॉन ए टी, और ये हट जाएगा क्योंकि ln ई की पावर के टी क्या हो जाएगा, ln m की पावर n, नोट लिखते हैं हम n ln m, पावर पहले आ जाती है, तो ये हो जाएगा ln e की पावर kt, तो ये हो जाएगा kt ln e की वैल्यू 1,
तो ये आ जाएगा के टी, ये सारा रफ वर्क है अपना ना, ठीक है के टी। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू वन अपॉन टी एल एन ए नोट अपॉन ए टी। ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए टी क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, ठीक है। और लॉग में चेंज करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए टी। यहां से तीन फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ए टी इज इक्वल टू ए नोट की पावर माइनस के टी, एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नोट माइनस के टी, और के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट अपॉन ए टी। तीनों एक ही फॉर्मूले है, बस आपस में रीअरेंज हुए हैं, क्योंकि यह देखना यहां से ए नोट अपॉन ए टी की पावर के टी दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यही फॉर्मूला आएगा, यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है। और देखना ये हमने स्टार्टिंग में ए नोट और ए टी माना, इसे मैं स्टार्टिंग में ए मान लेता हूँ, ये एक्स बन गए तो ये कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, स्टार्टिंग में ए है, टी टाइम बाद प्रोडक्ट एक्स बना तो ए टी कितना बचा ए माइनस एक्स। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नॉर्मल अपन सीधी रिएक्शन ले ए से बी, तो उसके लिए रिएक्शन के लिए ये आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, ए टी इज इक्वल टू ए नोट की पावर माइनस के टी, एल एन ए टी इज इक्वल टू एल एन ए नोट माइनस के टी, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोग ए नोट अपॉन ए टी। ए नोट की जगह ए और ए माइनस एक्स। ए टी क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। यदि आपको प्रोडक्ट दिया तो आप माइनस करके रिएक्टेंट निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले आपको जीरो ऑर्डर पे क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं जब नॉर्मल रिएक्शन हो। अब हम बात करते हैं वो रिएक्शन जो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये रफ कर रहा हूं मैं। ये फॉर्मूले रख ही रहा हूं, फॉर्मूले रख रहा हूं, ठीक है। यदि मैं रिएक्शन ले लूं 2A से 3B, तब फॉर्मूले क्या होंगे? ये फॉर्मूला लगाओगे तो सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत। अपन जनरल रिएक्शन लिखते हैं न्यू ए इज इक्वल टू एम बी, तो वही लगेगा। रेट क्या लिखी जाएगी, माइनस वन अपॉन न्यू डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए, इसके लिए यही लिखी जाएगी ना, तो डी ए अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस न्यू के डी टी। तो जहां के है वहां क्या हो जाएगा, न्यू के, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए टी इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस न्यू के टी। न्यू क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक, न्यू क्या है? स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री कौन है? न्यू। स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, फॉर्मूला ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 2.303 न्यू टी लॉग ए नोट अपॉन ए टी। समझ में आया? तो जब ये रिएक्शन है जैसे 2A से 3B, तो इसके लिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो कौन सा लगाओगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2T लॉग ए नोट अपॉन ए टी। समझे? फॉर्मूला आपको लगाना है ये वाला, सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो सारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हमेशा स्टोइकियोमेट्री डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट में, स्टोइकियोमेट्री डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट में, और उसी के आधार पे ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। ये है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सिर्फ आपको जनरल कभी दिया हो तो रखना है, वरना नॉर्मल इसी रिएक्शन पे पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना आपको, नेट गेट में कई बार डायरेक्ट ये रिएक्शन दे दे और आपको दे दे कि एक ही कंसंट्रेशन, एक ही इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, एक ही इनिशियल कंसंट्रेशन तो आपके दे दे 10 मोलर है, और दस सेकंड बाद आपको दे दे कि कंसंट्रेशन क्या हो जाती है,
वन मोलर हो जाती है। या क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन एक रिएक्शन है ए से बी, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है 10 मोलर, आफ्टर 10 सेकेंड 90% रिएक्शन कंप्लीट, फाइंड आउट के रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो अपने को जनरल रिएक्शन ए से बी दी है, तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, के इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। आपको क्या दिया, इनिशियल कंसेंट्रेशन 10 मोलर दी है और 10 सेकंड के बाद 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि 90% तो प्रोडक्ट चेंज हो गया, तो 80 कितना बचा, 100 माइनस 90 10%, और 10% बता मतलब स्टार्टिंग में 10 मोलर था, तो 80 कितना हो गया, 10 × 10/100 1 मोलर। समझ गए, स्टार्टिंग में 10 मोलर था, 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो मतलब 90% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो बचा कितना 10%, तो 10 मोलर का 10% 1 मोलर, तो के क्या आ जाएगा 2.303 × 10 सेकंड लॉग इनिशियल 10 बाद में 1 लॉग 10 की वैल्यू 1, तो के आ जाएगा आपका 0.2303। यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। यदि कहीं पे सेकंड इनवर्स यूनिट दिखे, इसका मतलब रिएक्शन अपनी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहां तक तो ठीक था मैं, लेकिन आपको रिएक्शन दे दूं 2A से 3B और सेम क्वेश्चन पूछ लूं, इस रिएक्शन को मैं कर दूं 2A से 3B कर दूं और सेम क्वेश्चन पूछ लूं, यदि आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ये आंसर आएगा, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है, गलत है, क्योंकि फॉर्मूला इस बार क्या लगेगा, 2/2, आंसर क्या आएगा 0.1151 सेकेंड इनवर्स। समझ रहे हो, तो ये स्टिक्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, जिसे हम अब तक मोस्टली लोग नेगलेक्ट करते आए थे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या है, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्शन 50% क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, वो टाइम जहां पे 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए वो क्या है, हाफ लाइफ। तो यहां पे 80 कितना हो जाता है, ए नॉट अपॉन 2, टी हाफ पे 80 कितना हो जाता है, कंसेंट्रेशन 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गए, मतलब रिएक्टेंट कितना बचा 50%, 50% बचा, तो ए नॉट अपॉन 2 हो गया। तो अपने इक्वेशन क्या थी, 80 इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, मैं जनरल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये इधर जाएगा अपॉन में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, ln 2 इज इक्वल टू के टी, ln 2 की वैल्यू होती है 0.693। तो पहले तो यहाँ से टी हाफ लिख देता हूँ इसे, है ना, टी हाफ, तो टी हाफ का एक फॉर्मूला तो क्या आ गया, ln 2 अपॉन k, और टी हाफ क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन k, ln 2 की वैल्यू क्या होती है 0.693, ln 2 की वैल्यू होती है 0.693, तो इसके लिए क्या होती है 0.693 अपॉन k। कहीं रिएक्टेंट है क्या, कोई भी रिएक्टेंट की टर्म नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती, इसका मतलब क्या है, सक्सेसिव हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन सक्सेसिव हाफ लाइफ रखती है, यानी कि मतलब हाफ लाइफ क्या होती रहेगी, बराबर रहेगी, इक्वल रहेगी, इसका मतलब हम समझेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट, ये नॉर्मल है। अब वही रिएक्शन ले लूँ मैं 2A से 3B, तो हमेशा याद रखना न्यू को के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो टी हाफ कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन 2K, इस रिएक्शन के लिए टी हाफ कितना आ जाएगा अपॉन 2K। समझ में आ गया, यह है सक्सेसिव हाफ लाइफ। सक्सेसिव हाफ लाइफ का मतलब समझना क्या है,
सक्सेसिव हाफ लाइफ का मतलब कि मान लिया स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन क्या है, ए नोट है, और हाफ लाइफ कितना है, टी हाफ है। हाफ लाइफ क्या है, टी हाफ है, या टी हाफ लाइफ मान लिया मैंने 10 सेकंड है। तो स्टार्टिंग में ए नोट है तो 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद कंपाउंड कितना हो जाएगा, 10 सेकंड बाद इसका आधा, यानी कि हाफ लाइफ का मतलब क्या है, 10 सेकंड के बाद रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है। ये ए नोट का कितना हो जाएगा, ए नोट अपॉन टू, ए नोट अपॉन टू। फिर क्या है, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर से 10 सेकंड लूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, 50% और कंप्लीट हो जाएगी। किसकी, इसकी 50%, इसकी 50% कंप्लीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ए नोट अपॉन 4। फिर 10 सेकंड बाद लूंगा तो क्या हो जाएगा, ए नोट अपॉन 8। फिर 10 सेकंड बाद क्यों लूंगा तो क्या हो जाएगा, ए नोट अपॉन 16। ये क्या है, सक्सेसिव हाफ लाइफ, यानी कि हाफ लाइफ कॉन्स्टेंट रहती है और कंसंट्रेशन क्या आती जाती है, आधी की आधी हो जाती है, और इस प्रकार हम देखेंगे रिएक्शन कभी पूरी नहीं होती। तो ये देखना, एक हाफ लाइफ के बाद रिएक्शन कितनी हो गई, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद रिएक्शन कितनी हो गई, ए नोट अपॉन टू। सेकेंड के बाद कितनी हो गई, ए नोट अपॉन 4, यानी कि ए नोट अपॉन 2 की स्क्वायर। थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितनी होगी, ए नोट अपॉन 8, यानी कि ए नोट अपॉन 2 की क्यूब। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद कितनी होगी, ए नोट अपॉन 16, यानी कि ए नोट अपॉन 2 की पावर 4। तो एन हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन पूछे तो कितनी हो जाएगी, ए नोट अपॉन 2 की पावर एन। ठीक है, जहां एन क्या है, टाइम अपॉन हाफ लाइफ। टाइम अपॉन हाफ लाइफ, हाफ टाइम बोल दो या हाफ लाइफ बोल दो, इसे हाफ टाइम भी बोलते हैं, हाफ टाइम या हाफ लाइफ। ठीक है, टाइम अपॉन एन की वैल्यू क्या है, टाइम, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। ठीक है, तो ए नोट अपॉन 2n। ये तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सक्सेसिव होता है कि कंसंट्रेशन आधी होगी तो हाफ लाइफ क्या रहेगा, 10 सेकंड, यानी कि ए नोट है तो अभी 10 सेकंड बाद आधी हो जाएगी, ए नोट अपॉन 2 है तो 10 सेकंड बाद आधी हो जाएगी, ए नोट 4 है तो 10 सेकंड बाद आधी हो जाएगी। लेकिन जीरो ऑर्डर की बात करूं तो हमने पढ़ा था कि टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए नोट के। तो इसमें क्या होगा, जीरो ऑर्डर के लिए देखना, स्टार्टिंग में ए नोट था तो 10 सेकंड बाद क्या हो गया, ए नोट अपॉन 2। ए से ए नोट अपॉन 2 होने में 10 सेकंड लगे, तो ए नोट से ए फोर नोट 4 होने में कितना टाइम लगेगा। देखना यहां पे हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो ए नोट से ए नोट अपॉन 2 आधा हुआ तो 10 सेकंड लगा, तो ए नोट से 2 से ए नोट अपॉन 4 हुआ आधा हुआ तो भी कितना लगेगा, 10 सेकंड। ए नोट 4 से ए नोट अपॉन 8 हुआ तो 10 सेकंड। लेकिन यहां पे क्या होता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ए नोट से ए नोट हाफ हुआ तो 10 सेकंड लगा। अब कंसंट्रेशन आधी होगी तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, आधा, तो क्या लगेगा, 5 सेकंड। 5 सेकंड में ए नोट से अपॉन 4, ए नोट 4 से और एन अपॉन 8 जाना है तो कंसंट्रेशन फिर आधी होगी तो हाफ लाइफ कितना हो जाएगा, आधा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर में रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होती है हाफ लाइफ क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाती है हाफ लाइफ क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इज 1 ग्राम, हाफ टाइम ऑफ दैट रिएक्शन इज 20 सेकंड, आफ्टर 100 सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज विल बी। ये क्वेश्चन दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज आपके 1 ग्राम है, हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन इज 20 सेकंड है, आफ्टर 100 सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज क्या होगी। तो दो तरीके हैं, फर्स्ट तरीका देखना, यदि कहीं भी नहीं आए तो नॉर्मल अपने जनरल तरीके यूज करो। आपको क्या दे रखा है, हाफ टाइम दे रखा है, हाफ टाइम से आप क्या निकाल सकते हो, रेट कॉन्स्टेंट, के इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ। तो के क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन 20, ये के आ गया।
ठीक है आ गए। अब आप अपनी जनरल इक्वेशन लगाओ, जनरल इक्वेशन क्या थी आपकी, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, है ना। आपको क्या पूछा है, 100 सेकंड बाद सुक्रोज की कंसेंट्रेशन यानी कि ए टी पूछा है, तो ए टी कितना हो जाएगा, ए नॉट क्या है 1 ग्राम, ई की पावर माइनस के की वैल्यू कितनी आ गई 0.693 अपॉन 20, और कितने सेकंड बाद, 100 सेकंड बाद 5, इसे सॉल्व करोगे तो 0.0312 ग्राम आ जाएगा, 0.01332 ग्राम आ जाएगा। इसे सॉल्व करने का तरीका देखना, आपका पास आ गया 80 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 0.693 × 5, है ना। इसे सॉल्व करने का तरीका देखना कैसे होगा, जब ये इसे सॉल्व करना हो तो आप क्या ले लो, एलन 80 ले लो, एलन 80 क्या हो जाएगा माइनस 0.693 × 5, एलन को किस में कन्वर्ट कर लो, लॉग में, लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 लॉग 80 इज इक्वल टू 0.693 × 5 लॉग 80 इज इक्वल टू माइनस 0.693 × 5 अपॉन 2.303, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.3010 × 5 लॉग 80, तो लॉग 80 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1.5, तो 80 कितना आ जाएगा 10^-1.5, और 10^-1.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10^-2 × 10^0.5, ये लिख सकता हूँ ना, माइनस 2+0.5 इसे क्या लिखता हूँ मैं -2+0.5। अब 10^5 की वैल्यू आपको पता है 0.69 होती है, 10^5 की वैल्यू कितनी होती है 0.69, और ये डिवाइड होगा तो आंसर अपना सेम आ जाएगा, है ना। ये तो पहला तरीका था जब आपने लंबे मेथड से किया, दूसरा तरीका देखना कैसे होगा। दूसरा तरीका आपको हाफ लाइफ दे रखा और 100 सेकंड बाद पूछा है, तो 100 सेकंड में हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी, हाफ लाइफ इन 100 सेकंड क्या हो जाएगा 100/25, कंप्लीट हाफ लाइफ आ रही है ना। यदि कंप्लीट हाफ लाइफ आ रही है तो आप क्या निकाल सकते हो, 80 इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2^5, ए नोट अपॉन 2^5 मतलब 32, इसे सॉल्व करोगे तो 0.0315 ग्राम आ जाएगा। तो ये है आपका निकालना, जब आपके पास टाइम दिया, हाफ लाइफ दी हो, टाइम के बाद कंसेंट्रेशन पूछे तो कैसे निकालोगे, ए नोट अपॉन 2^n, n क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब देखना आपके, हम कुछ टाइम पे और डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में कुछ टाइम की और बात करते हैं, कौन कौन से, T90 का मतलब क्या है, मैंने कल भी बताया था, TX का मतलब क्या है, X परसेंट कंप्लीट रिएक्शन, X परसेंट कंप्लीट होगी। T90 का मतलब क्या है, 90% कंप्लीट, और 90% कंप्लीट हो गई, इसका मतलब 80, ये ए नोट यदि 100 है तो 80 कितना हो गया 10, ए नोट यदि 100 है तो 80 क्या हो गया 10, तो अपने पास K कितना आ जाएगा, सॉरी T90 कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन K log 0/80 यानी कि 100/10 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन K आ जाएगा। इसी प्रकार T99 में क्या हो जाएगा 99% कंप्लीट, तो ए नोट यदि आपका 100 है तो 99% कंप्लीट होगी, तो बची कितनी 1%, तो 80 क्या हो गया 1, तो T99 कितना आ गया 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 1, दैट्स मीन 2 × 2.303 अपॉन के,
है ना। टी 99.9% कंप्लीट। तो ए नोट यदि आपका 100 है तो 80 कितना आ गया 0.1, तो टी 99.9 कितना आ जाएगा 3 × 2.303/k और टी 99.99 कितना आ जाएगा 4 × 2.303/k। ठीक है, ये आ गए। तो अपने को टी 90% पूछे तो कितना आएगा 2.303/k टी 99। ये तो कभी पूछेगा नहीं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। रेशियो देखना क्या आ रहा है यहां से। यदि आपसे टी 99/t 90 का रेशियो पूछे कितना आ रहा है, तो आप क्या करोगे ये डिवाइड ये, तो क्या आ जाएगा आपका 2/1। आपसे पूछे टी 99.9/t 90 कितना आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे 3/1। आपसे पूछे टी 99.9/t 19 कितना आ रहा है, तो आप कितना करोगे 3/2। तो रेशियो पूछे तो आप इजीली ले सकते हो। देखना टी 90 से चालू होना, टी 90 क्या है 2.303/3 99 × 2 99.9 × 3 99.99 × 4। तो आप इजीली रेशियो निकाल सकते हो। आपसे पूछे टी 99.99/t 99.9 का रेशियो कितना आएगा, दोनों के टाइम का एवरेज तो इजीली निकाल सकते हो। ये 4 19 है तो 4, इसमें 3 19 है तो 3। देखो इसमें 3 9 आ रहे हैं तो 3, इसमें 2 9 आ रहे हैं तो 2, इसमें 3 9 आ रहे हैं तो 3, इसमें 1 9 आ रहा है तो 1, इसमें 2 9 आ रहे हैं तो 2, इसमें 1 9 आ रहा है तो 1। इस प्रकार से आप ट्रिक निकाल सकते हो कि किसी का भी रेशियो पूछे आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार आपसे कोई पूछे टी 99.999/t 90 का रेशियो कितना आएगा, तो टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। इसमें कितने 9 आए 5, इसमें कितने 9 है 1, 5:1। ठीक है, ये तो पहला रेशियो था। अब देखना एक रेशियो और निकालता हूँ मैं। ये समझ में आ गया कि ये रेशियो कैसे फाइंड आउट करने हैं। अब एक रेशियो और देखते हैं अपन, जो कई बार पेपर में पूछता है, डायरेक्ट पूछता है। टी हाफ कितना होता है अपना, टी हाफ हम निकाल चुके हैं 0.693/k 0.693/k निकाल चुके हैं। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे टी 90/t 50 टी हाफ, तो इसका रेशियो कितना आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2.303/k × 0.693/k। कैंसिल करोगे तो टी 90/t 50 आ जाएगा आपका 3.32, या टी 90 बराबर आ जाएगा 3.32 टी हाफ लिख देता हूँ मैं इसे। यानी कि टी 90 है वो टी हाफ का कितना होता है 3.32। तो आपको कोई पेपर में जल्दी पूछे कि आपकी किसी रिएक्शन 50% आपकी 10 सेकंड में कंप्लीट हो रही, तो 90% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो आप डायरेक्ट निकाल देना 3.32 से मल्टीप्लाई करके। इसी प्रकार आप यदि निकालोगे टी 99.9/t 50 का रेशियो, तो वो आपका कितना आएगा टी 99.90, इसका दो गुना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यह आ जाएगा आपका 6.6t हाफ, है ना 6.6। ठीक है, 3.2, यानी कि टी 99.9 = 6.6t हाफ। आपको टी हाफ दे रखा हो, हाफ लाइफ दे रखा हो, 99.9% रिएक्शन कंप्लीशन पूछे, तो क्या करोगे 6.6 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार टी 90.9 पूछे, सॉरी ये टी 99 है ना, टी 99 क्या है 2 गुणा, टी 99 पूछे तो क्या आ जाएगा 3 × 3.32, यानी कि टी 99.9 = आ जाएगा 10 times ऑफ टी हाफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों याद रखना। टी 90 में कितना टाइम लगा 3.32, टी 99 में 6.6 टी हाफ का, और टी 99 में टी हाफ का 10 गुना। इसी बार आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था कि टी हाफ और टी 99 में क्या रिलेशन होता है, तो क्या होता है 10 गुना। टी 99 है वो टी हाफ का क्या होता है 10 गुना होता है, 10 times होता है। तो ये डायरेक्ट याद रखना आप, 90% टी टाइप का 3.32, फिर मल्टीप्लाई कर देना, 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे 6.6, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो 10 times। और इसी प्रकार आपसे पूछ ले कि टी
99.99 कितना और टी हाफ में क्या रिलेशन होगा अपॉन टी हाफ, इसका रेशियो क्या होगा। तो आप है ना इसका याद है तो बस सीधा याद रखना, एक नौ में 3.3 है तो इसे चार से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो 13.8 है ना। तो ये याद रखना, पेपर में देख लेना आपको 99.9 लिखा है या 90.99 लिखा है। 90.9 लिखेगा तो 10 टाइम है और 99.99 लिखेगा तो 13.28 टाइम है, ठीक है। ये रिएक्शन 90-99% में क्या रिलेशन है डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखना हाफ लाइफ, चलिए हाफ लाइफ हम कर चुके हैं, लाइफ टाइम हम जीरो ऑर्डर में पहले पढ़ चुके थे। लाइफ टाइम का मतलब क्या है, रिएक्शन कंप्लीट कितनी 100% कंप्लीट कितने टाइम में होगी, तो 100% कंप्लीट है तो 80 कितना हो जाएगा जीरो। 80 का मतलब क्या है, रिएक्शन कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, जब यदि कंप्लीट ही रिएक्शन होगी तो 80 कितना हो जाएगा जीरो। तो अपने पास इक्वेशन थी 80 इज इक्वल टू ए नोट ए की पावर माइनस के टी, 80 जीरो हो गया, 80 जीरो हो गया तो जीरो इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी, ये इधर जाएगा तो ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू जीरो, या फिर ई की पावर के टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देखना 1 अपॉन ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन ये ऊपर जाएगा तो ई की पावर के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो के टी इज इक्वल टू एल एन इनफाइनाइट, तो टी 100% क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि रिएक्शन नेवर कंप्लीट, ये इसका एक क्या हो जाएगा पोस्टुलेट हो जाएगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, रिएक्शन विल नेवर कंप्लीट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। ये रिएक्शन है 100% कितना होता है इनफाइनाइट होता है। तो आपको कोई पूछे पेपर में कि एक रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ 10 टाइम है तो रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, रिएक्शन कंप्लीट कब होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब होगी इनफाइनाइट, देखना यदि आपको हाफ लाइफ 10 सेकंड दे तो जो आपको जीरो ऑर्डर है ना जीरो ऑर्डर वो क्या होगी 20 सेकंड में क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अपन पढ़ चुके टी 100/50, इसके लिए क्या होता है 100/50 इज इक्वल टू 2, तो यदि टी हाफ 10 सेकंड है तो टी 10 कितना हो जाएगा 20 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी 100/50 क्या आता है इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्या होता है इनफाइनाइट, तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी इनफाइनाइट टाइम पूछे तो इनफाइनाइट टाइम या नेवर कंप्लीट, नेवर कंप्लीट, ठीक है। ये देखना अब दो चीजें और देखिए, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ रिमेन अमाउंट लेफ्ट अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट या फिर लेफ्ट अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट या लेफ्ट अमाउंट का मतलब क्या है, इनिशियल तो आपके पास ए नोट था टी इज इक्वल टू जीरो पे और टी इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या हो गया 80 हो गया, तो ये क्या है बचा हुआ है, स्टार्टिंग में आपका रिएक्टेंट ए नोट था बाद में 80 है, तो रिएक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट या फ्रैक्शन ऑफ मतलब क्या है 80/A0 और 80/A0 कितना होता है, इसे मैं क्या लिखता हूँ A0 - X/A0, ये कितना होता है अपन पढ़ चुके हैं 80 इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी, तो ये कितना हो जाएगा 80/A0 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट या फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट अमाउंट, ठीक है। और आपको पूछे फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड अमाउंट
फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट पूछे, तो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट का मतलब क्या है, आपका t इक्वल टू जीरो पे ये a नॉट था या a था, और थीटा इन t पे ये क्या हो गया a नॉट माइनस x हो गया, ये जीरो था प्रोडक्ट, ये क्या हो गया x हो गया, तो रिएक्टेड कितना है x अपॉन स्टार्टिंग में कितना है a नॉट, आपको x अपॉन a नॉट पूछे कितना आएगा, x अपॉन a नॉट पूछे तो कितना आएगा, तो कितना आएगा देखना, ये अपने पास इक्वेशन थी at इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, है ना, ये क्या था a माइनस एक्स इज इक्वल टू एक् ए की पावर माइनस के टी, है ना, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा a नॉट माइनस ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, या a नॉट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ए नॉट वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपको ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल आपके इंटरव्यू में पूछते हैं, आपके पास ये क्वेश्चन तो सब जानते हैं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, है ना, तो प्रोडक्ट की ये तो क्या होती है रिएक्टेड की कंसंट्रेशन एट टी टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो किसी टाइम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू ए नॉट, इसे मैं कैपिटल ए नॉट भी लिख सकता हूँ, कैपिटल ए नॉट एक वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, तो यहाँ से x अपॉन ए नॉट कितना आ जाएगा, x अपॉन ए नॉट आ जाएगा वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, ठीक है, और ई की पावर माइनस के टी था ये, तो x अपॉन ए नॉट क्या लिख सकता हूँ मैं, वन माइनस ए टी अपॉन ए नोट, समझ गए, तो फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट पूछे तो e की पावर माइनस के टी, और फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड अमाउंट पूछे तो x अपॉन ए नोट इज इक्वल टू e की वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, और प्रो x का फॉर्मूला पूछे तो आपका क्या हो जाएगा ए नोट e की पावर माइनस के टी, ये फॉर्मूला याद रखना, ये काफ़ी बार पूछता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम टी इज गिवन बाई, तो अपने को जरूरी ये याद रहता है, और हम ये लिख लेते हैं ए टी इज इक्वल टू ए नोट e की पावर माइनस के टी, जबकि ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, पेपर में अच्छे से देखना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पूछा है या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है तो फॉर्मूला क्या लगाएगा ये, ठीक है, एक चीज और देखना, ये तो हो गए दोनों फॉर्मूले फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन, फॉर डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब क्या, आपका ये एक रिएक्टेंट है ये डिकम्पोज के प्रोडक्ट में कर रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो स्टार्टिंग में यदि ए नोट था ये जीरो था, ये ए नोट माइनस एक्स हो गया, तो ये हो गया डिकम्पोज, तो डिकम्पोजिशन रेशियो, इस वर्ड को बोलते हैं आपका एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन, एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन, एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से क्या होता है एक्स अपॉन ए नोट, कितना था और कितना डिकम्पोज, जो इसे बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए नोट, हम निकाल चुके हैं कितना होता है वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, तो पेपर में पूछे एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन कितना होता है एक्स अपॉन ए नोट इज इक्वल टू वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी, ये है आपके फॉर्मूले, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेड अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, जैसे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना, डीकंपोजिशन ऑफ सुक्रोज टू फ्रुक्टोज, डीकंपोजिशन ऑफ सुक्रोज टू फ्रुक्टोज टेक प्लेस हाफ टाइम ऑफ रिएक्शन इज 3 hours, फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट अमाउंट After 8 hours,
आठ घंटे बाद फ्रैक्शन क्या होगा? तो फ्रैक्शन ऑफ क्या पूछा है? लेफ्ट अमाउंट, रिएक्टेड नहीं पूछा, लेफ्ट का मतलब क्या होगा? 80 अपॉन ए नोट पूछा आपसे। 80 अपॉन ए नोट क्या होता है? ए की पावर माइनस के टी, टी आपके पास है 8 ओवर, न्यूमेरिकल करने का तरीका देखना, ये पूछा है आपके पास। टी आपके पास है 8 घंटे बाद, के नहीं है, अब के निकालना है। के लिए आपको क्या दे रखा है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ के में रिलेशन क्या होता है? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, तो आपके क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन 3, तो 80 अपॉन ए नोट क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस 0.693 अपॉन 3 इंटू 8 आ जाएगा। इसे सल्व कर लेना, इसे सल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 0.75। इसे सल्व करना, वही देखना, या तो ऐसे सल्व करो, या सल्व करने का तरीका आपको फिर से बताता हूँ। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग, लॉग 80 अपॉन ए नोट इज इक्वल टू ई की माइनस 0.693 इंटू 8 अपॉन 3। इसे मल्टीप्लाई कर लेना तीनों चीज़ों को, ये मल्टीप्लाई करने पे आपका आएगा 80 अपॉन ए नोट, सॉरी ये है आपका एलन, इधर जाके क्या होगा? ये क्या बनेगा? एलन, एलन को लॉग में चेंज करोगे 2.303 लॉग 80 अपॉन ए नोट माइनस 0.693 इंटू 8 बटा 3। लॉग 80 अपॉन ए नोट क्या आ जाएगा? माइनस 0.693 इंटू 8 बटा 3 इंटू 2.303। ये जब सोल्व करोगे सारा का सारा तो आपका आंसर आएगा लॉग 80 अपॉन ए नोट इज इक्वल टू माइनस 0.80। 0.80 को देखना, लॉग 80 अपॉन ए नोट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.20 लिख सकता हूँ। ये इधर जाएगा लॉग, तो 80 अपॉन ए नोट क्या हो जाएगा? e की पावर माइनस, सॉरी लॉग जाएगा तो 10 की पावर माइनस 1, जब ln जाता है तो e की पावर माइनस 1, लॉग जाता है तो 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर 0.2, 10 की पावर 0.2 की वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, सोल्व करोगे तो क्या जाएगा? 0.15। इस प्रकार से ये सोल्व करना है। इस चीज़ को सोल्व करना हो तो क्या करो, पहले ln ले लो, ln को लॉग में कन्वर्ट कर लो, पावर आ जाएगा, फिर 10 की पावर, 10 की कुछ पावर आपको याद करनी पड़ेगी, मैं मैथमेटिक्स की क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट अमाउंट, फ्रैक्शन ऑफ अदर अमाउंट। अब देखना इसका लास्ट टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर का एक बार के लिए, वो है डीलिंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टर्म ऑफ प्रेशर। आपको प्रेशर की टर्म में फर्स्ट ऑर्डर को डील करना है, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन मान लिया मैंने ए से बी है, ए से बी है। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में ये मान लिया ए नोट है तो ये जीरो है टी टाइम, जीरो टाइम पे, टी टाइम पे ये क्या हो जाएगा? ए नोट माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स, ये लिखते एक्स। तो अपन क्या लिखते हैं, के इज इक्वल टू 0.303 अपॉन टी, टी लॉग ए नोट अपॉन ए नोट माइनस एक्स, ये तो लिखते हैं हम कंसंट्रेशन की टर्म में, कंसंट्रेशन की टर्म में ऐसे लिखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रेशर की टर्म में, तो मैं मान लिया कोई ए मेरा गैस है, वो बी गैस प्लस सी गैस में चेंज हो रहा है, तो इनिशियल प्रेशर मान लिया मैंने पी आई है, तो ये जीरो होगा, जीरो होगा। टी इक्वल टू टी टाइम पे ये मैंने मान लिया डीकम्पोज, जो स्टार्टिंग में ए नोट था प्रेशर पी आई था, ये कुछ डीकम्पोज हुआ था प्रेशर पी आई नोट से, कुछ से पी कम हो गया, तो ये बन गया पी और पी। तो आपको जब पेपर में देगा ना तो ये पी नहीं देगा, कभी भी ये पी नहीं देगा, आपको देगा टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी, यहां पे प्रेशर देगा पी आई, यहां पे देगा पी टी। पेपर में इस प्रकार से मिलेगा आपको, टाइम जीरो सेकंड पे पी आई यानी कि इनिशियल है, और टी टाइम पे आपका पी टी है, ये मिलेगा आपको। टी टाइम पे आपका क्या है? पी टी। तो आपको देखना इस इक्वेशन से k
क्या क्या लिखा जाएगा, के इजिकल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन इनिशियल प्रेशर पी आई अपॉन पी आई माइनस पी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। लेकिन आपको ये तो पेपर में देगा ही नहीं, तो देखना ये क्या है, टी टाइम पे प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या है, पी आई माइनस पी प्लस पी प्लस पी इज इक्वल टू पी टी, तो ये क्या हो जाएगा पी आई प्लस पी इज इक्वल टू पी टी। तो यहां से पी क्या आ जाएगा, पी क्या आ जाएगा, पी टी माइनस पी आई आ जाएगा। ये वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, यहां रख दूंगा, तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई बट्टा पी आई माइनस पी की जगह क्या रख दूंगा, पी टी माइनस पी आई, ये सॉल्व करूंगा माइनस पी टी प्लस पी आई, तो के क्या हो जाएगा पी आई अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। समझ में आ गया, जब प्रेशर की टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी यदि प्रेशर की टर्म में लिखना हो तो रेट कॉन्स्टेंट क्या आएगा, समझ में आ गया। तो आपको पी आई इनिशियल मानना है, टी टाइम बाद पी आई माइनस पी, ये प्रेशर पी ये प्लस पी, तो इक्वेशन तो वही लगानी है, इनिशियल प्रेशर माइनस टी टाइम बाद प्रेशर पी आई माइनस पी। अब पी को पी टी की टर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी टी, यहाँ से पी की वैल्यू निकालना, ये रख देना। जैसे एक इक्वेशन और ट्राई करते हैं अपन, एक इक्वेशन और ट्राई करते हैं फिर आपके क्लियर ज़्यादा हो जाएगा, देखना। ए गैस टू बी प्लस सी में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर इनिशियल पी आई था, ये जीरो है, ये जीरो है, टी टाइम बाद ये पी आई माइनस पी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा टू पी, ये कितना हो जाएगा पी, ये टू पी ये पी। अब देखना के की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, के तो वही लिखा जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर पी आई माइनस प्रेशर आफ्टर टी आई टाइम पी आई माइनस पी। अब पी को कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, आपको टोटल प्रेशर आपको दे रखा है पी टी, तो क्या करोगे पी आई माइनस पी प्लस टू पी प्लस पी इज इक्वल टू पी टी, तो पी आई प्लस टू पी इज इक्वल टू पी टी, तो टू पी क्या आ जाएगा पी टी माइनस पी आई, और पी इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई अपॉन टू, ये यहाँ पे रख दो। के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई अपॉन टू, ये माइनस ये प्लस, दो से एल पहले क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो देखना के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लोग दो एलसीएम लोगे तो 2 पी आई, ये ऊपर जाके 2 पी आई अपॉन 3 पी आई माइनस पी टी। तो इसे प्रेशर की टर्म में इस इक्वेशन को लिखा जाएगा, तो के इजिकल 2.303 अपॉन टी लोग 2 पी आई अपॉन 3 पी आई माइनस पी टी। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर, प्रेशर की टर्म में कई बार पेपर में पूछता है। अब हम करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना, सबसे पहले ए से बी जा रहा है, तो अपन जानते हैं एटी क्या है, ए नोट ई की पावर माइनस के टी, ये इक्वेशन जानते हैं। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगी, कम होगी, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होगी और एक्सपोनेंशियल कम होगी, तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है ए टी इज इक्वल टू ए नोट ई की पावर माइनस के टी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कभी भी पूरी नहीं होगी, पूरी नहीं होगी, इनफाइनाइट जाएगी क्योंकि रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। प्रोडक्ट की बनाऊं मैं, ये तो किसके रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है, ए की। बी क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा, और बी के लिए मैंने इक्वेशन आपको करवा दी थी, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए नोट वन माइनस ई की पावर माइनस के टी, इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है बी, बी की इक्वेशन क्या है ए नोट ई की पावर, ए नोट वन माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो पेपर में या इंटरव्यू में पूछा आपके इस इक्वेशन के लिए
इस कर्व के लिए इक्वेशन क्या है, एट इज इक्वल टू एनोटी की पावर माइनस के टी, और इसके लिए क्या है, बी इज इक्वल टू एट्टी की पावर माइनस टू के टी। रिएक्शन आपकी ए से टू बी हो रही है तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो सेम ही बनेगा ए, बी कैसा बनेगा, ये बी है टू बी हो जाएगा हाइट में, तो टू बी का ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा, बी बी का ग्राफ कैसा बनेगा इस प्रकार से। इस इक्वेशन के लिए बी कैसा बनेगा, इसके लिए ऐसा बनेगा। तो ये पहला ग्राफ है कंसंट्रेशन और टाइम, 80 ले लो कंसंट्रेशन, ए की डिक्रीज प्रोडक्ट की इंक्रीज, ए की डिज प्रोडक्ट की इंक्रीज, ये पहला ग्राफ है। दूसरा देखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अपनी क्वेश्चन थी ln 80 इज इक्वल टू ln a नोट माइनस के टी, तो ln 80 वर्सेज टी के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, तो c माइनस एम एक्स, सी यहाँ है और डिक्रीजिंग ग्राफ, ये क्या है ln a नोट और ये क्या है k, ये क्या है k, तो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप। याद रखना जीरो ऑर्डर का किसके 80 वर्सेस टी के बीच में ऐसा ग्राफ आया था, यहाँ ln 80 और टी के बीच में ग्राफ आया था, चारों कंपेयर करवाऊंगा जब हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पढ़ लेंगे, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फिर चारों करवाऊंगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ln 80 और टी का ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। और देखना ग्राफ ln 80 वर्सेज a नोट क्या होता, माइनस के टी, माइनस के टी, ln 80 वर्सेज a नोट क्या होगा, माइनस के टी। तो इसका ग्राफ देखना कैसा बनेगा, ln 80 वर्सेज a नोट और ये है टाइम। देखना y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस जीरो, तो स्टार्ट होगा जीरो से, नेगेटिव स्लोप जाएगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा इस प्रकार से। और ln a नोट अपॉन 80 कितना हो जाएगा, kt, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, t ln a नोट अपॉन 80 का ग्राफ कैसा बनेगा इस प्रकार से, समझे। ln 80 t का ग्राफ सी कौन से चालू, नेगेटिव स्लोप, ln 80 वर्सेज a नोट का ग्राफ जीरो से चालू नेगेटिव स्लोप, ln a नोट वर्सेज 80 का ग्राफ जीरो से चालू पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। दो ग्राफ और बना लेते हैं अपन, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन देखना, रेट और कंसंट्रेशन, रेट और कंसंट्रेशन में कैसा ग्राफ आएगा, तो अपने को पता है रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ए, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा आएगा ऐसा, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ पूछे तो कैसा आएगा ऐसा, रेट वर्सेज टाइम, आर और टाइम। देखना इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो अपने को पता है R इज इक्वल टू के ए, और के ए कितना है, ए नोट टी की पावर माइनस के टी, तो टाइम और R के बीच में कैसा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, तो ग्राफ कैसा आएगा ऐसा, ग्राफ कैसा आएगा ऐसा, ठीक है। रेट वर्सेस टाइम, एक और देखना टी हाफ वर्सेज कंसंट्रेशन, टी हाफ वर्सेज कंसंट्रेशन, अपने को पता है टी हाफ क्या होता है, 0.693 अपॉन के, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं, तो ग्राफ आएगा ऐसा। तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, रेट वर्सेज टाइम का नेगेटिव, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन का पॉजिटिव, और ये है, ठीक है। तो ये अपने हैं ग्राफ, ठीक है। एक चीज़ और देखना, दो फॉर्मूले और कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। पहला, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज
C1 एंड C2 एट टाइम T1 एंड T2। आपको कंसंट्रेशन दे रखी है और टाइम दे रखी है, तो कई बार पूछता है कि रेट क्या होगी, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन देखे क्या पूछता है, रेट पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, ऐसे क्वेश्चन करना है आपको रेट कांस्टेंट निकाल के, दो टाइम के डिफरेंस के बीच में रेट कांस्टेंट निकालना है। यदि रेट कांस्टेंट किसी दो दो रेट कांस्टेंट सेम आते हैं तो वही ऑर्डर होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे करोगे, देख रहा इक्वेशन क्या थी अपनी, एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो यहाँ से ए वन या सी वन इज इक्वल टू हो जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस के टी वन, और सी टू हो जाएगा ए नॉट ई की पावर माइनस के टी टू। इक्वेशन वन टू, वन माइनस टू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू, या वन अपॉन टू कर दो, तो सी वन अपॉन सी टू इज इक्वल टू ई की पावर के टी टू माइनस के टी वन। सी वन अपॉन सी टू, ए टू से टी कौन सर, ये ऊपर जाके पॉजिटिव, तो एक के टी टू माइनस टी वन, ये हो जाएगा एल एन सी वन माइनस एल एन सी टू इज इक्वल टू के टी टू माइनस टी वन। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल एन सी वन माइनस एल एन सी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो ये आपका k निकाल सकते हो, तो आपके तीन टाइम दे रखे तो डिफरेंस निकाल लो। यदि k सेम आ रहा है तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए t निकालो। तो यदि आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन दे रखे, डिफरेंट टाइम पे रेट कॉन्स्टेंट पूछे, तो क्या हो जाएगा, एल एन सी वन माइनस एल एन सी टू अपॉन टी टू माइनस टी वन। और डिफरेंट रेट दे दे, डिफरेंट रेट यानी कि टी वन पे रेट क्या है R1, टी टू पे रेट क्या है R2, और फिर आपसे पूछे रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो देखना R क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो C1 की जगह क्या लिख दूंगा R1। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एन R1 माइनस एल एन R2 अपॉन T2 माइनस T1। इस फॉर्मूले से हम रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। यह है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके न्यूमेरिकल हम साथ में करेंगे सारे एक साथ कंपेयर करके, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए एक साथ करेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, आज अपना कंप्लीट हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।